नजरों में प्यास दिल में तलाश होठों में बंधन में चुंदी में दाग सीने में आग सांसों में कैद घर में नजरों में प्यास दिल में तलाश होठों में कैद घर में चुंदी में दाग सीने में आग सांसों में कैद घर में ये क्या था ये क्या बिजली बिजली हे भगवान बिजली गिरी बिजली गिरी हम पर तो गिरी लेकिन जजेस क्या आप पर बिजली गिरी प्रियंका ये गाना मुश्किल भी है गाना इट्स नॉट इजी टू सिंग दिस सॉन्ग आल्सो कहीं कहीं तुम्हारे नोट्स बहुत कम लगे मुझे लगा सो एक्चुअली इनकी आवाज ज्यादा आ रही थी मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से ये मार्जिन शायद देना चाहिए अनु जी ये हो सकता है कि यहाँ पर शोर की वजह से उसे ट्रैक नहीं मिल रहा बट जावेद साहब दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट यू कांट गिव अ रीजन कि अभी इसकी वजह से हो गया उसकी वजह से देयर इज नो शॉर्टकट देयर इज नो रीजनिंग पावर हियर फॉर मी टू से कि इसकी वजह से फेल हो गया या मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही ये तो स्मॉल एक्सक्यूजेस आप ऑडिशन में कर सकते हैं नॉट एट द गाला राउंड सर दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज मैं सब पक्का से मैं कोशिश करूंगी दोनों साथ साथ अच्छे से हैंडल करने की वेल डन प्रियंका कैलाश जी आपकी भी परफॉर्मेंस उतनी बल्ले बल्ले नहीं हुई है और ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ गाना ही सर्वोपरि है इंडियन आइडल का मतलब ही है गाना तो इसलिए आप उनको भूलना नहीं चाहिए कि हमको अव्वल दर्जे का गायक पहले बनना है दुनिया में बाकी सब गौण हैं बातें ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर सोनाली मैम जब आप परफॉर्म करते हो तो यू हैव टू फॉरगेट मैंने क्या पहना है मैंने क्या ये किया है डोंट गेट कैरिड अवे बाय दैट व्हेन यू कम ऑन स्टेज देयर आर नो एक्सक्यूजेस सावरिया वो टोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया सावरिया 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 हो सावरिया पलकों के शामियाने में ख्वाबों के हर ठिकाने में तेरी ही परछाइयां हैं तू तो हर लम्हा यादों में है तेरी खामोश पहली नजर का दीवाना बना सांवरिया हो फिलहाल जानते हैं हमारे जजेस से कि उनका क्या कहना है आपके परफॉर्मेंस के बारे में जावेद साहब भाई सच बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा मुझे परफॉर्मेंस बहुत वीक लगा और मुझे लगा कि बहुत सुर की बहुत जगह गड़बड़ हुई अनु जी टू सिंग दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग और इसको मैंने नोटिस किया जब ये गाना गा रहा था यहां उसको जब पता लगता था ये ऑक्टेव हाई नोट्स आने वाले हैं या जो नोट्स मैं शायद होल्ड ना कर पाऊं एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो यार ये लड़का उन नोट्स को बहुत कॉन्फिडेंटली होल्ड कर रहा था यहाँ तक कि जो सिचुएशन आज हमारे मुंबई में हुई है आई एम गोइंग टू इवन कंपेयर दैट कि तुम आर्मी से हो मैं भावुक हो रहा हूँ एक तरफ उन्होंने हमारी रक्षा की है एक तरफ तुम उसी आर्मी से हो जिन्होंने कोशिश की है
I'll combine both of them and give you full 100% marks for the singing. I want to salute you, actually, really. Thank you, sir. अगर ये आर्मी के हैं तो इनकी इज्जत हमारी सर आँखों पे, हमारे दिल में इनके लिए मोहब्बत है, इसलिए कि हर आर्मी के आदमी के लिए हमारे दिल में इज्जत और प्यारी है। लेकिन जहाँ तक सिंगिंग का ताल्लुक है, आप उसे उससे मिक्स ना कीजिए, ये बड़ी अनफेयर बात होगी बाकी सिंगर्स के साथ। तो या तो ये सब आर्मी ज्वाइन कर लें फिर आपके सामने गाएँ। फैक्ट ये है कि मैं पूरे दावे से बोलता हूँ कि ये कई जगह सुर से बाहर गए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ जावेद साहब, वो आपकी राय, आपकी राय है। मेरे हिसाब से जिस आदमी को मैंने बार बार बोला है टू अटेम्प्ट अ डिफरेंट सॉन्ग, उसने अटेम्प्ट किया है, आई सैल्यूट दैट ऑल्सो। यू हैव अटेम्प्टेड अ डिफरेंट सॉन्ग, फॉर मी दिस वाज अ वेरी गुड ट्राई, एंड फॉर मी यू शुड बी गिवन अ चांस फॉर द नेक्स्ट गाला, दैट इज माय ओपिनियन। गुड ट्राई का क्या मतलब? नहीं, फॉर मी अगर ठीक है तो ठीक है। नहीं नहीं, गुड ट्राई का मतलब मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छा गाया। आप अपनी पास अपनी, ये तो आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। मेरी, हां मैं ये कह रहा हूं, इट वाज अ गुड ट्राई। यस, यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस जावेद साहब, आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ इसने बहुत सिंपल गाने अटेम्प्ट किए थे। दिस टाइम इज अटेम्प्टेड अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। यू हैव संग इन सोर, यू हैव संग वेरी वेल, एंड आई अगेन वांट टू सैल्यूट यू। इट्स नॉट ओनली इमोशनली, इट्स प्रैक्टिकली फैंटास्टिक। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ले जा तू संदेसा मेरा मैं सदके जावां। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रसते पे अखियां रसता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी, ले जा तू संदेसा मेरा मैं सदके जावा है। ले जा तू संदेसा मैं सदके जावा, ले जा तू संदेसा मेरा मैं सदके जावा हो। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे गाने की बहुत तारीफ की थी, याद है तुम्हें, और वो जायज था। इस वक्त भी तुमने इतना बुरा नहीं गाया जितना तुम सोच रहे होगे अनु जी क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे लगा एक जगह तुम लैसे गए थे, और दूसरा यू नो एज अ सिंगर यू मस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन टू द सॉन्ग। Why don't you attempt, or if you attempt this song, उसपे कुछ ऐसी चीज़ कर दो कि लगे यार ये लड़का तो यार he's going from strength to strength. I would prefer that because I like you and you can come back again. All the best. मैं भी अनु की बात से थोड़ा सहमत हूँ। आज की परफॉर्मेंस उतनी दमदार नहीं है आपकी, दो जगह लय और सुर का हल्कापन रहा, लेकिन my best wishes. Thank you so much, गला जी, सोनाली जी। कपिल, हमने अनन्या जैसी एक टैलेंटेड सिंगर खोई है, अब आप सोचो कि लेवल क्या होना चाहिए। एंड आई रियली विश कि आप अगले हफ्ते मुझे सरप्राइज करें और एक कुछ बिल्कुल ही अलग ही और सुपर्ब सी चीज़ पेश करें। जावेद साहब, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से ख़राब परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। शायद ये गाना एक नोट या हाफ नोट ऊपर गाया होता तो इसकी जो थ्रो और एनर्जी है वो बेहतर होती। ये जिस नोट में आपने गाया है ओरिजिनल गाना, इसी नोट में सर हाफ नोट नीचे किया है। इसका एक कारण था सर कि पिछले तीन दिनों से मेरा गला बिल्कुल ख़राब था, एंड टाइम में मैंने ये हाफ नोट नीचे किया हुआ है। तो उससे क्या हो गया कि वो गाने की जो थ्रो थी, जो तड़प थी, वो ख़त्म हो गई। तो वो उस बात का ख्याल रखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।